रिया चक्रवर्ती और उनकी गैंग की एक और चोरी पकड़ी गई। ये चोरी ईडी ने पकड़ी तब जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरी गैंग के 8 गैजेट्स जब्त किए। जब ईडी ने इन गैजेट्स को जब्त करने के बाद अपनी छानबीन शुरू की तो पता चला कि इनके गैजेट से काफी मैसेजेस और ईमेल्स डिलीटेड है। ये मैसेजेस व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, इसके अलावा ईमेल्स हैं जो कि गायब है और एक पर्टिकुलर टाइम है तब के ये मैसेजेस गायब है। और किस टाइम के हैं ये मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई में कुछ तो था इन सब चीजों में, कुछ तो कनेक्शन था इन सब लोगों में, कुछ तो जाल बुना जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द कि अब इन सब चीजों को छुपाने के लिए ये मैसेजेस डिलीट कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ईडी को अपनी जांच में पता चला है मई और जून महीने के जो मैसेजेस थे रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, इन सब के जो फोन्स ईडी ने जब्त किए उससे मई और जून के व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट पाए गए हैं। और अब ईडी ये पता लगाने में जुट गई है कि ये जो मैसेजेस हैं जो डिलीट किए गए हैं ये क्या मैसेजेस थे और क्यों मई और जून के ही मैसेजेस डिलीटेड पाए गए हैं। आपको बता दें कि ईडी की अपनी एक फॉरेंसिक लैब होती है जहां पर अब इन गैजेट्स को भेजा जाएगा और जो डिलीटेड मैसेजेस हैं उन्हें रिट्रीव किया जाएगा। ईडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके पास काफी पावर्स होते हैं और इन पावर्स के तहत ईडी इन डिलीटेड मैसेजेस को रिट्रीव करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जो कंसर्न नेटवर्क्स है उन्हें भी ईडी की मदद करनी पड़ेगी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जो डिलीटेड डेटा है सबसे पहले उसको रिट्रीव करना पड़ेगा, उसको ढंग से देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या चीजें थी कि दो महीनों की बातों को डिलीट किया गया है। आपको बता दें कि ऑलरेडी ईडी ने रिया चक्रवर्ती की एक चोरी ये भी पकड़ी थी कि उनका एक दूसरा नंबर भी था जिसके बारे में रिया चक्रवर्ती ने ईडी को नहीं बताया था, लेकिन ईडी को रिया के कॉल रिकॉर्ड से उस नंबर का पता चल गया था। और जिस दिन पहली बार रिया चक्रवर्ती की पूछताछ की गई थी उसी दिन ईडी ने रिया से वो फ़ोन मांगा था, जो फ़ोन उस वक्त उन्होंने कह दिया था उनके पास नहीं है। इसके बाद उनका भाई शौविक जो उस टाइम उनके साथ मौजूद था उसको वहीं से उसके घर भेजा गया, मोबाइल लाने को कहा गया। यही कारण था कि शौविक ईडी के ऑफिस से एक बार निकले थे और फिर वापस ईडी के ऑफिस में आए थे। वो रिया का वो फ़ोन लेने गए थे जो फ़ोन रिया सबसे छुपा रही थी।